दोस्तों, इसे आप इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन का नतीजा मान लीजिए कि 4 साल बाद फिर से हमने चांद के अधूरे मिशन को पूरा करने की तैयारी कर ली है। चंद्रयान को बहुत कम समय में और कम लागत में तैयार किया गया है। भारत ने मात्र 600 करोड़ की लागत में चंद्रयान 3 को तैयार कर दिया है और अपने बुलंद हौसलों के साथ इसने चांद की तरफ अपनी रफ्तार भी पकड़ ली है। जितने रुपए में एक फिल्म नहीं बनती, उतने रुपए में हम चंद्रमा पर उतरने वाले हैं। बीते सोमवार को चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। भारत का तीसरा मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में तीसरी बाधा भी पार कर ली है। चंद्रयान 3 ने दूसरा ऑर्बिट ब्रिजिंग मैनूवर सफलतापूर्वक पार कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार दोपहर 1:14 पर अपडेट दिया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की लोकेशन अब 41,603 किलोमीटर इंटू 226 ऑर्बिट में है। यह धरती के चक्कर लगाते हुए उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलेगा। इसरो के मुताबिक अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 और 3 बजे के बीच में होनी है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की जमीन पर सुरक्षित उतारना है। उसके बाद रोवर प्रयोग करने के लिए बाहर निकलेगा। लैंडर से बाहर निकलने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल द्वारा ले जाए गए पेलोड का जीवन 3 से 6 महीने के बीच का है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में जाने वाला है जहां आज तक कोई नहीं गया। उस हिस्से का नाम है लूनर साउथ पोल, जहां पानी और दूसरी चीजों के होने की काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मंगलयान 3 लूनर साउथ पोल पर पानी और खनिज की तलाश करने वाला है। साथ ही उस क्षेत्र में मौजूद मिट्टी और धूल का भी परीक्षण होगा। दोस्तों, पिछली बार चंद्रयान 2 में रह गई कुछ कमियों को देखते हुए चंद्रयान 3 में काफी बदलाव किए गए हैं। इस बार इसरो ने इसमें 21 बदलाव किए हैं। साथ ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का दायरा भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही वैकल्पिक लैंडिंग की व्यवस्था भी की गई है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले ईंधन की मात्रा भी ज्यादा होगी। इस लॉन्चिंग के बाद इसरो को दुनिया के हर कोने में बधाइयां मिल रही हैं। दोस्तों, इससे पहले चीन ने 2010 में चंगाई 2 मिशन चंद्रमा पर भेजा था। वह 4 दिन के बाद चांद पर पहुंच गया था। इसके बाद चाइना का अगला मिशन चंगाई 3 भी पहुंच गया था। सोवियत संघ का पहला लूनर मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटे में चांद के नजदीक पहुंच गया था। अमेरिका का अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 4 दिन से थोड़ा ज्यादा समय में वहां पर पहुंच गया था। हालांकि चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना है। अभी तक सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर चुके हैं। ऐसा करने के साथ ही भारत भी इन देशों में एक क्लब में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान 3 के साथ इस बार केवल रोवर और लैंडर ही जा रहे हैं। चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी वहां पर मौजूद है और काम कर रहा है। चंद्रयान 2 को 2019 में भेजा गया था, लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। साथ ही चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 के लैंडर का संपर्क भी टूट गया था। मौजूदा चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर से निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान न केवल डेटा इकट्ठा करेगा, बल्कि चंद्रमा की सतह पर हमेशा के लिए भारत की मौजूदगी के निशान भी छोड़ेगा। रोवर का पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लाठ से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। उसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा और हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी के प्रमाण छोड़ेगा। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत उसका रोबोटिक उपकरण 24 अगस्त तक चांद के उस हिस्से पर उतर सकता है जहां अभी तक किसी भी देश का कोई भी अभियान नहीं पहुंचा है। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर टिकी हैं। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 मिशन लैंडर को उतारने में सफल हो जाता तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाला 4th देश बन जाएगा। चंद्रयान 2 तब सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था जब इसका लैंडर विक्रम 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करते समय ब्रेकिंग प्रणाली में गड़बड़ होने के चलते चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था। चंद्रयान 1 मिशन को 2008 में भेजा गया था। 15 साल में इसरो का ये तीसरा चंद्रमा मिशन है। दोस्तों, मिशन के साथ ही हमें इनके जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे मिशन में से 2 बड़े जोखिम हो सकते हैं। पहला तो ये कि चांद पर जब आपको यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही काम करता है। दूसरी चीज ये है कि चांद पर कोई GPS नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो GPS के माध्यम से कई जानकारी हमें मिल जाती हैं। ड्राइवरलेस कारें GPS तकनीक से ही काम करती हैं, लेकिन चांद पर ये काम नहीं करती। वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर हैं,
किस हिस्से में है, कितने दूर हैं, इन सभी चीजों का अनुमान उसे ऑन बोर्ड सेंसर से लगाना है। तो इससे 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अच्छी बात तो यह है कि इस बार इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। भारत में एक चीज हमेशा से सिखाई गई है कि अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो पुनः उपयोग भी करें। जैसे जब चंद्रमा 2 भेजा गया था तो इसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो अभी भी चांद के ऑर्बिट में घूम रहा है और बड़े आराम से काम कर रहा है। तो इस बार जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से मौजूद है। ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई। दोस्तों, इसरो की सबसे अच्छी बात यह कि ज्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी काफी तकनीक को खुद से डेवलप कर लेते हैं, जिससे कम लागत में हम बड़े मिशन को अंजाम दे पाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल चंद्रयान मिशन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। तो इस तरह दोस्तों, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिख दिया है और यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए नई उड़ान भर रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।